हे गाइस, तो ये ब्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट है। आज है हमारा एक फ्रेंड का शादी जो कि आसनसोल में है, उसका नाम सौमिक है, ठीक है। वो हम लोग का आदि योगी ब्लॉग में आपको दिखा होगा, बैंगलोर डायरीज में दिखा होगा, अगर नहीं देखे तो वीडियो आप देख सकते हैं। तो अभी हम लोग उसके शादी के लिए निकलेंगे, उससे पहले हमको जाना है स्टेशन, प्रभात और रितेश आ रहा है, और उससे पहले गाड़ी काफ़ी गंदा हो चुका है तो गाड़ी भी धुलवा लेते हैं। सुबह सुबह का माहौल है तो गाड़ी काफ़ी गंदा हो चुका है, तो अभी चलते पहले स्टेशन, और उससे पहले चलते पहले गाड़ी धुलाते हैं, ठीक है। गाड़ी धुलाने के बाद फिर स्टेशन चलेंगे और उसके बाद वहाँ से निकलेंगे आसनसोल। और प्रभात और रितेश को अगर आप लोग नहीं जान रहे हैं तो वो हमारे सिक्किम डायरीज और काफ़ी ब्लॉग में अधिकतर वही है, भुवनेश्वर वाले में प्रभात है और वाराणसी वाला उसमें आपको रितेश मिल जाएगा, काफ़ी ब्लॉग में सबको ही है। मगर अगर आप लोग पहले चैनल पर पहले से हैं तो आप लोग इसको जानते होंगे, और अगर नहीं जानते तो जाके वीडियो देख लीजिए। चलते हैं पहले हम लोग आगे, गाड़ी का हालत देख लो कितना गंदा दिख रहा है, पर इसको धुलाते हैं क्योंकि शादी में जाना है। तो गाड़ी है धुला चुका है और वो लोग भी लगभग पहुंचने वाला है, पहले सीट बेल्ट पहन लेते हैं, नहीं तो चालान कटने में ज़्यादा देरी नहीं लगेगा यहाँ पे। और वो लोग को तो बोले हैं कि पहुंचने वाले हैं, ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है, गाड़ी धुलाने में ज़्यादा लेट हो गया, तो चलते हैं मिलते हैं वो लोग से, दिखाते हैं वो लोग आगे। पहुंच गया है उधर, ये तो चाय पी रहा है उसका पता नहीं। तो हमारा सामान वान सब रेडी है बाबू, कैमरा स्टैंड पे कुछ नहीं रखेगा, अभी कैमरा बाकी है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आगे ले लो। तो फाइनली हम ये लोग आ गए गाड़ी में और अभी हम लोग जा रहे घर, वहाँ से खा पी के निकलेंगे हम लोग आसनसोल के लिए। और अच्छा, इस शादी का एक खासियत ये है कि लड़का हम लोग का जो दोस्त है वो बंगाली है और लड़की जो है बिहार से है, रहती लोग आसनसोल में है, लेकिन वो लोग का जो शादी होगा वो बिहारी टाइप होगा और इधर से बंगाली टाइप, तो पूरा ना एक कॉम्बो रहेगा। तो हम लोग देखेंगे कैसे क्या क्या होता है, एक्सप्लोर करेंगे आज शादी को, तो चलते हैं हम लोग। प्रभात एक्साइटेड है? हाँ, चलना है। और रितेश तुम एकदम पूरा देख रहे, बॉस टाइप बैठा हुआ हम लोग का प्रोड्यूसर है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग आगे, अभी तो खैर हम लोग बोकारो में ही हैं, स्टेशन से जा रहे घर की ओर। तो फाइनली हम लोग निकल गए हैं, सबको नहा धो लिया है, हम लोग खा पी लिए है, अब हम लोग डायरेक्ट निकल रहे हैं आसनसोल के लिए, तो धनबाद होते हुए निकलेंगे, बीच बीच में रास्ता दिखाएंगे भी हम लोग, तो चलते हैं। और ये एक टाइप का हम लोग का रोड ट्रिप भी है, क्या कहते हैं, हम लोग एक टाइप का रोड ट्रिप है, तो इसमें दो तीन पार्ट आ सकता है, जैसे हम लोग कहीं अगर घूमने गए या फिर, तो ब्लॉक वन ब्लॉक टू ब्लॉक थ्री इसका सीरीज है, तो अभी तक हम लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, काफ़ी मज़ा आने वाला है। यहाँ पे काफ़ी चेकिंग है इलेक्शन के कारण, तो हम लोग ट्रैफिक में फंस गए हैं, देखिए। तो हम लोग ट्रैफिक में फंस चुके हैं, बहुत लंबा ट्रैफिक है, देखिए हम लोग कब फंसते हैं, डेढ़ तो यहीं बज रहा है अभी, टारगेट था हम लोग का 3 बजे पहुँचने का आसनसोल, देखते हैं क्या लगता है प्रभात, पहुँच पाएगा? पहुँच जाएंगे, पहुँच जाएंगे, रितेश आगे थोड़ा पहुँच जाएंगे, पहुँच जाएंगे, खाली है, चलो देखते हैं। तो काफ़ी चलने के बाद ट्रैफिक में फंसे हुए थे, बहुत दूर तक चल भी गए, मतलब पहुंचने ही वाले, तो सोचा था कोल्ड ड्रिंक वोल्ड्रिंक पी लिया जाए। क्या कोल्ड ड्रिंक हम लोग का? तो पेप्सी लाया, पेप्सी है, हम लोग ठंडा में पेप्सी पी रहे हैं। तब सौमिक तो इंतजार कर रहा होगा, अरे जल्दी चलना है, चलो वो कहाँ है, एक है पीछे आ रहा, चलो चलते हैं अब आगे। काफी लंबा लाइन में हम लोग फंस चुके हैं, देखो काफी लंबा लाइन में हम लोग फंसे हुए हैं। सौमिक हमको नहीं लगता है कि हम लोग तुम्हारे घर से डायरेक्ट जा पाएंगे, हमको लगता है हम लोग डायरेक्ट बारात में ही मिलेंगे, क्योंकि बहुत लंबा लाइन है, क्या लगता है प्रभात? हाँ, वो तो अभी खुला भी नहीं है ट्रैफिक, बहुत लंबा लाइन है, सब इलेक्शन के कारण हो रहा है, तो जहाँ तक अपना क्या ही कह, छोड़ो गाइस, हम तो गाड़ी चला रहे हैं, मस्ती ये लोग कर रहा है, पता है क्या, देखो
ये वीडियो चला रहा है, हम गाड़ी चला रहे हैं। यहाँ से मैथन 5 किलोमीटर है, बकता 241 तो छूट गया। तो गाइस अभी हम लोग हैं बराकर, क्या बराकर नदी, ये देखो आगे मैथन डैम भी है, ये आप लोगों को कल दिखाएंगे, आज तो खैर हम लोग रास्ते में पड़ रहा तो दिखा दे रहे हैं। और देखो कितना लंबा जाम है, देखे ये देखो कितना लंबा जाम है, गाड़ी चला चला के हालत खराब हो गया। देखो 117 किलोमीटर गाड़ी ऑलरेडी चला चुके हैं, देखिए लोग हालत, इसका हालत देखिए, कब पहुंचेंगे भाई, बहुत जल्द बहुत जल्द। तो फाइनली हम लोग आसनसोल पहुंच चुके हैं, इधर तो फिर भी उतना ट्रैफिक अभी नहीं है, मेन हम लोग को एनएच पे ही मिला, ये देखिए। और यहाँ से अभी हम लोग को कितना जाना है, 2 किलोमीटर और आगे जाना है, वहाँ सौमिक का घर है, फिर वहाँ से हम लोग रेडी होकर निकलेंगे। सौमिक भैया का शादी में आए थे ना हम लोग लास्ट, हाँ लास्ट 3 साल पहले आए थे हम लोग, कुछ नहीं बदला है, वही रोड, सरकार बदला ना जगह, इतना डीप नहीं बोलना है थे इसको। काफी खूबसूरत नजारा दिख रहा है, कैमरा में आप लोग देख रहे होंगे, सूरज एकदम फेस पे पड़ रहा है, चेहरे पे ग्लेजिंग देख लो सबका, बुरा लग रहा है देख तो, थोड़ा सा बड़े से लग रहा है, ठीक है गाइस थोड़ा सा गोरा लग रहा है। हितेश देखो तो पीछे, हितेश कितना गोरा लग रहा है देखें, वो अंधेरा में सुता हुआ है, लाइट पड़ रहा है, अंधेरा में सोया हुआ है, देखो देखो थोड़ा तोता लग रहा है तुम, देखें पूरा एकदम, देखें तोता देखें, ये बहुत चमक रहा है। प्रभात फेमस था कॉलेज में तोता के नाम से, क्योंकि इसका ओट बहुत 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 लाल है। और फाइनली अभी हम लोग पहुंच गए, और ये हमारा दूल्हा साहब, क्या सौमिक बंद कर, अभी हम लोग रेडी भी नहीं, हम लोग जस्ट पहुंचे, अभी हम लोग रेडी होंगे, तब तक वो निकल रहा है, चलो जा रेडी होने, हाँ चलेंगे, इसको छोड़ देते हैं, फोटो शूट हो रहा है उधर, शादी आज है लगता तो नहीं है देख के, राधा नगर राधा को बाधा हुई है, बगल में देखो नेचुरल ब्यूटी दिखा, छठ पूजा ही नहीं होता है। कौन सा छठ पूजा, मनीष का मैरिज हॉल एंड लॉन, यहाँ सब लोग निकलेंगे, हाँ चलो अंदर चलो, पहुँच गए और सब सब को रेडी हो रहा है। अरे काफी फट्टा कट्टा है, डांसर भी किया हम लोग का मूवी का, हो गया ना मेरा कास्टिंग, हो गया ना कास्टिंग, हो गया एक नंबर में, पैसा लूज से काउच कास्टिंग बचा है, करना बोले लेटा कर दो अपने गाइस, इतना गाड़ी चला है मुंह एकदम अजीब हो गया है, सोचे थोड़ा वास वास कर लेते, इसी बीच में लाइन भी कट गया, बराती जा चुका है, हम लोग पीछे से जाएंगे, ये देखिए हम लोग ठंडा, हम लोग रेडी हो रहे थे, सबको ठंडा लग रहा, बोल रहा जैकेट पहन के जाएंगे, हम लोग वीवीआईपी थे ना, हाँ हमारी ने 2-3 गाड़ी नीचे लगा हुआ है, चलते हैं थोड़ा साफ सफाई कर लीजिए जाए,